देखो राकेश, जी सर। मैं आई डोंट नो, पहले तो मैं एक खाका खींचता हूँ, फिर मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि आप किस हद तक इससे सहमत हैं। मुझे लगता है कि इस देश के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया, और यह इस देश का दुर्भाग्य है कि षड्यंत्र पूर्वक जवाहरलाल नेहरू को दुष्टता पूर्वक इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि उन्हें जो है जीरो वोट मिला था। जीरो वोट पाने वाला व्यक्ति इतना बड़ा महत्वाकांक्षी कैसे हो सकता है कि मैं सरदार पटेल के अधीन काम नहीं करूंगा? अरे भाई, तुमको जब जीरो वोट मिल रहा है तो तुम कौन होते हो देश के प्रधानमंत्री बनने वाला? और मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ जो बाद में महात्मा गांधी जी ने दलील देने की कोशिश की और थोड़ा सा जस्टिफाई करने की कोशिश की कि मैंने जवाहरलाल नेहरू को दो कारणों से फेवर किया था। पहला कारण ये था कि सरदार पटेल तो मान जाएगा और वो जवाहरलाल नेहरू के अधीन काम कर लेगा, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं मानेगा और वो कांग्रेस को तोड़ देगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जिस व्यक्ति को एक भी वोट नहीं मिला हो, जीरो वोट मिला हो वर्किंग कमेटी में, उसकी क्या औकात है कि कांग्रेस को तोड़ दे? सही कह रहे हैं आप। यह मतलब ये जीरो वोट पाने वाला कांग्रेस तोड़ सकता है क्या? नहीं सर। नहीं तोड़ सकता। नंबर वन। जो दूसरी दलील दी गई थी कि साहब ये बहुत सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति है, अंग्रेजी अच्छा बोलता है और ये अंग्रेजों से और बाकी बाहर की कंट्रीज से ज़्यादा अच्छे ढंग से बात कर पाएगा, ये दलील भी उतनी ही खोखली है जितनी पहली दलील खोखली है। पहली दलील जो थी कि साहब जो है ना ये अधीन काम नहीं कर सकता, तो जीरो वोट पाने वाला क्यों काम नहीं कर सकता? और दूसरी बात है कि सरदार पटेल 14 साल बड़े भी थे, ठीक है ना? अब अपन बिल्कुल दूसरी बारे में बात करें तो सरदार पटेल कैम्ब्रिज से पढ़े हुए वो भी लॉयर थे, वो कोई गांव के गवाणी नहीं थे, गंभीर आदमी थे। बिल्कुल गंभीर आदमी थे। ही वाज ए बैरिस्टर, और वो भी वहीं लंदन से कैम्ब्रिज से पढ़े हुए थे, और सही कह 14 साल रहे बड़े थे तो 14 साल पहले पढ़े थे, राइट? बिल्कुल सही। तो ये दोनों चीज़ें, जो दोनों दलीलें हैं, भाई एक दृढ़ चरित्र का व्यक्ति, वो भी सोफिस्टिकेटेड और वो भी अंग्रेजी उतने फर्राटे से बोलने वाला, वो भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ व्यक्ति, और वो भी जिसकी वकालत बहुत फर्राटे की चलती हो, वो ऐसा व्यक्ति था, वो किसी मामले में जवाहरलाल नेहरू से कमजोर क्यों था? नहीं था। अब आई बिल्कुल डोंट नो सही। आपने देखा कि नहीं देखा, अभी 2 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जो नवभारत की टीवी चैनल है ना, टाइम समथिंग, हाँ, एनबीटी का। हाँ, मैं जो नवभारत लिखा रहता है, नवभारत न्यूज चैनल, हाँ, और एनबीटी है अपने नौ टाइम्स वालों का ये सर वो। हाँ नवभारत टाइम्स का ही है वो, और उसमें हाँ एक नया लड़का अभी आया है सिन्हा करके, राइट? हाँ 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 जी हाँ वो एकदम नया यंग लड़का है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हाँ उसका हाँ मैं एक वीडियो देख रहा था और हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम थी जो उस वीडियो से मालूम पड़ी। एक तो ये ओके मुझे जैसे सरदार पटेल के बच्चों का नहीं मालूम था, आई मीन आई प्लीड माई गिल्ट कि मुझे मालूम होना चाहिए था, राइट? यदि बिल्कुल अब सही है। हम जैसे व्यक्ति को भी नहीं मालूम है तो आम आदमी से क्या अपेक्षा करेंगे? तो इस व्यक्ति ने जब जो है दिसंबर 1950 में माननीय जो है सरदार पटेल जी की डेथ हुई, तो इस व्यक्ति ने दो फरमान जारी किए, एक मंत्रियों को जारी, तीन काम किए इसने। एक तो मंत्रियों से कहा कि कोई भी अंत्येष्टि में नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। ओके दूसरा जो है इसने ब्यूरोक्रेट से कहा कि कोई भी ब्यूरोक्रेट नहीं जाएगा। और तीसरा ओके जो है इसने राजेंद्र प्रसाद जी से कहा कि आप तो देश देश के राष्ट्रपति हैं, एक मंत्री के जो है अंत्येष्टि में जाना आपके पद और गरिमा के अनुरूप नहीं है, लिहाजा आप नहीं जाएं। यानी पूरा विरोध वाला माहौल बना दिया। मतलब जिस व्यक्ति की कृपा के कारण आप देश के प्रधानमंत्री बने, आप इतने दुष्ट व्यक्ति हैं कि उसकी अंत्येष्टि में जो है ना आप अपने लोगों को नहीं जानने देना चाहते हो। और आपको मालूम है क्या हुआ उसमें? जब मैं उस वीडियो को बड़ी बारीकी से देख रहा था तो मुझे बहुत प्लेजेंट सरप्राइज हुआ जब मैंने देखा कि राजेंद्र प्रसाद जी न केवल सम्मिलित हुए बल्कि उन्होंने अर्थी को कंधा भी दिया। आई अरे वाह फेल्ट साहब रियली प्राउड ऑफ मिस्टर राजेंद्र प्रसाद, वाह साहब। राइट? और आपको बता दूं, ब्यूरोक्रेट्स जो है गए,
और उन्होंने कहा कि आप नहीं जाएंगे सरकारी खर्चे पे, तो जो होम सेक्रेटरी था वो अपने 12 सबॉर्डिनेट को अपने खर्चे से ले गया, और सरदार पटेल की अंत्येष्टि में 10 लाख से भी ज्यादा लोग थे, तब इसका मुंह जो है ना एकदम छोटा सा बन के रह गया। और ये इतना दुष्ट आदमी था कि आपको मालूम है कि इसने राजेंद्र प्रसाद के ऊपर बहुत दबाव बनाया। हाँ, अब ये देखिए मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 35A, इसने राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव बना के उसको नोटिफिकेशन से संविधान में घुसेड़ने की कोशिश की, बल्कि घुसेड़ ही दिया, ठीक है ना। तो राजेंद्र प्रसाद जी ने 8 पॉइंट लिख के जो ना उसे वापस किया कि ये संविधान की व्यवस्था के अनुरूप नहीं है, राइट। जिसका जवाहरलाल नेहरू ने जवाब दिया कि मैं आपके सभी पॉइंट से सहमत हूं, लेकिन यह आवश्यक है आप इसे जारी करें, हम चाय पर अनौपचारिक चर्चा कर लेंगे। ये सरकारी कम्युनिकेशन है जो मैं कह रहा हूं। आप ये बताओ कैसे देश का प्रधानमंत्री संविधान की व्यवस्था के विपरीत प्रेसिडेंट पर दबाव बनाकर एक असंवैधानिक काम करा सकता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या संविधान ने हमारे देश के राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया है कि वो संविधान में कोई आर्टिकल जोड़ दे? ऐसा तो नहीं है सर, नहीं ऐसा कोई पावर है ही नहीं, राइट। और संविधान तो में सर। कोई भी चीज जोड़ने के लिए हमें संविधान को अमेंड करना पड़ेगा, जिस और जो आर्टिकल 365 का प्रावधान है उसके अनुरूप उसको अमेंड करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह आप रहे हैं बताओ, आपने। ये दुष्ट नेहरू ने आर्टिकल 35A, एक आर्टिकल राष्ट्रपति जो है ना राजेंद्र प्रसाद के ऊपर दबाव बनाकर उसने नोटिफाई करा दिया, और ये हमारे ब्यूरोक्रेट जो कि इतने महान हैं, जिनको संविधान ने इतने प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, इन लोगों ने चीज़ चौपड़ नहीं की। यदि आप याद करें तो बहुत सारे समय पे जो है आर्टिकल 35 की जगह उसे रूल 35 कहने की कोशिश की गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रूल 35A, जबकि वो आर्टिकल 35A है, और उसे संविधान की हर किताब में छापा भी नहीं गया, बिल्कुल तथा सही कह उसे रहे हैं आपने, छिपाने बिल्कुल की कोशिश की गई, राइट। सही कह रहे और जब हैं। जो है 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसे डिलीट किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात नहीं कही कि मैं कांग्रेस की भर्त्सना करता हूं, मैं जवाहरलाल नेहरू की भर्त्सना करता हूं कि इस दुष्ट व्यक्ति ने असंवैधानिक तरीके से राष्ट्रपति के ऊपर दबाव बना के ये असंवैधानिक काम किया। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2014 में एक PIL लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसका उसका मजनून यही था कि आर्टिकल 35A असंवैधानिक तरीके से संविधान में डाला गया है, इसे आप नल एंड वॉइड घोषित करो। अब ये जो है PIL 5 साल तक सुप्रीम कोर्ट में पड़ी रही, और 2019 में ये रिपील हो गया, राइट। वो तो नरेंद्र मोदी जी ने रिपील कर दिया, ठीक है ना। अब ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट के महान विद्वान उसमें क्या एक दूध पीता बच्चा ये बात नहीं बता देता कि जब 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 ये आर्टिकल का जो है संविधान का संशोधन नहीं हुआ है आर्टिकल 365 के तहत, जब ये नोटिफिकेशन पार्लियामेंट गई नहीं है, तो ये संविधान का हिस्सा जो है असंवैधानिक तरीके से बना है, ये दूध पीता बच्चा बता सकता है कि नहीं बता सकता है? तो ये विद्वान विद्वान सुप्रीम कोर्ट के जजों को क्यों नहीं समझ में आया, ऐसे जजों के विरुद्ध महाअभियोग नहीं लगना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ मतलब बिल्कुल दंड की व्यवस्था होना चाहिए, हाँ हाँ मतलब बिल्कुल सही कहा, वो नहीं, सीधा साला जो है ना आपको हम महाअभियोग करके साला ठीक कर देंगे आपको, बिल्कुल सही कहा आपने ये बात। क्योंकि सिस्टम में चारों तरफ ये दुष्टता आ गई है कि अपने आका के दम पे कोई भी कानून को तोड़ रहा है। और आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो यही है कि हमारे ऊपर गुलामों के नियम और कानून थोपे हुए हैं, जो अंग्रेजों ने भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए और भारत की संपदा को लूटने के लिए बनाए थे, वो सभी नियम कानून आपके ऊपर आज थोपे हुए हैं कि नहीं थोपे हुए हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का बड़ा गुनाह ना होने पर भी यही ब्यूरोक्रेसी और यही जुडिशियल व्यवस्था के तहत उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया, वही व्यवस्था
जो कि पूरी तरह अपारदर्शी है, निरंकुश भी है, संविधान के चार चार आर्टिकल के तहत उसे सुरक्षा प्राप्त भी है, और 197 के तहत तो सीआरपीसी के तहत तो उसे न्यायपालिका के भी ऊपर कर दिया गया है कि यदि वो कुछ अपराध करेगी और जब तक जो है उसके आका राजनेता जो है ना अनुमति नहीं देंगे तो कोर्ट को संज्ञान लेने की इजाजत नहीं है। आज सैकड़ों और हजारों केसेस ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त के सिद्ध पड़े हुए हैं, चालान रेडी पड़े हुए हैं इन दुष्ट राजनेताओं के द्वारा 197 के तहत अनुमति न देने के कारण न्यायालय उसका संज्ञान नहीं ले पा रहा है। ये आपने सही कहा। तो ये पूरी शुद्ध दुष्टता है और ये दुष्टता इन राजनेताओं की है। अब लोगों को ये साहस करना ही पड़ेगा कि इन दुष्ट राजनेताओं से कहें कि तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हारा नहीं, अब तुम्हारा विनाश होने वाला है। आपका एक संगठन जो आपने जो मैंने देखा भी था एक दिन शायद फेसबुक पे भी, हाँ, कि आपने जिस तरह से है ना आपने फिर संगठन तैयार करके तमाम आप जानकारियां प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने तो वो इकोसिस्टम तैयार कर रहा हूं जिसमें 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट नहीं लग रहा है आपका? बहुत बड़ी बात की आपने। हाँ, मतलब ये तो कोई आज की डेट में कोई कहने की स्थिति में नहीं जो मैथिलीशरण गुप्त कह रहे हैं कि मैं 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हराऊंगा। और इस काम को करने के लिए मैथिलीशरण गुप्त ने जो है एक राजनीतिक पार्टी को जन्म दे दिया है, वो अवतरित हो चुकी है, पैदा हो चुकी है, केवल उसका नाम गोपनीय रखा जा रहा है और 2024 तक वो नाम गोपनीय ही रहेगा। अच्छा, उस राजनीतिक पार्टी का जो है केवल एक ही काम है कि क्राइम फ्री भारत मिशन को जोड़ने वाले जो चंद्रगुप्त होंगे, जिसको अधिकतम प्रतिष्ठा पॉइंट मिलेंगे, ऐसे चंद्रगुप्तों के पास ये राजनीतिक पार्टी जो कि गोपनीय है, जिसका नाम मैं 2024 तक गोपनीय ही रखूंगा, वो हाथ जोड़ के जाएगी और कहेगी कि आपने अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा है और अपने आप को चंद्रगुप्त स्थापित किया है, लिहाजा क्राइम फ्री भारत मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिलीशरण गुप्त का आदेश मुझे प्राप्त हुआ है कि मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करूं कि आप जो है टिकट स्वीकार करें। बहुत बढ़िया। और फिर जो है तब तक जो है 100 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े होंगे क्राइम फ्री भारत मिशन से, तो क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य जो है अपने चंद्रगुप्तों के लिए संकल्प लेंगे, तो क्राइम फ्री भारत मिशन की राजनीतिक पार्टी टिकट बांटने के बाद फिर से सुप्त हो जाएगी, राइट? क्योंकि ना उसे कोई चुनाव प्रचार करना है, ना कोई होर्डिंग लगाना है, कोई ना उसे जो है ना कोई जनसभा करना है, ना कोई आम सभा होना है, कुछ नहीं होगा। जो क्राइम फ्री भारत मिशन के जो लोग होंगे वो अपने छत, जिसके पास छत है वो छत पर, छत नहीं है तो चबूतरा, चबूतरा भी नहीं है तो झुग्गी के दरवाजे पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर वो अपने चंद्रगुप्त का नाम लेके कहेंगे कि हम जो है अपने इस चंद्रगुप्त को जिताएंगे। और जो है इनमें से बहुत सारे लोग गरीब होंगे, क्योंकि जो अमीर हैं वो तो खुदगर्ज और स्वार्थी हैं, वो तो पत्थर बन के इन राजनेताओं के चरण सेवक बने हुए हैं, तो अधिकांश चंद्रगुप्त जो है वो गरीब होंगे, हो सकता है झुग्गियों में भी रह रहे होंगे, राइट? तो जब जो चुनाव होता है तो ये दुष्ट राजनेता उस समय पैसे दारू साड़ी बांटते हैं, वो बेचारों के लिए एक बड़ा आकर्षण होता है। तो क्राइम फ्री भारत मिशन ने ये निर्णय लिया है कि वो अपने गरीब सदस्यों से कहेंगे कि यदि राजनेता फ्री भी बांटने, दारू बांटने, साड़ी बांटने, पैसे बांटने आए तो उनसे मोल भाव करो और 20,000-30,000 से कम मत लीजिए, 6 साड़ी से कम मत लीजिए, दारू की एक क्रेट से कम मत लीजिए, और बोर्ड जो है चंद्रगुप्त को देंगे। और इसके बाद क्राइम फ्री भारत मिशन एक ऑर्डिनेंस लेके आएगा, क्योंकि कानून बनाने तो देंगे नहीं, क्योंकि राज्यसभा में तो इन्हीं दुष्टों की मेजोरिटी रहने वाली है। तो क्राइम फ्री भारत मिशन 4 वर्षों तक ऑर्डिनेंस से इस देश को चलाएगा। ये देश जो है ऑर्डिनेंस से चलेगा, पूरा इकोसिस्टम ऑर्डिनेंस से क्रिएट होगा, क्योंकि राज्यसभा में इन दुष्टों की मेजोरिटी होगी और ये साले ततैये जैसे एक साथ मिल जाएंगे
तो सब जो है चोर चोर मौसेरे भाई होंगे, ये एक कानून नहीं बनने देंगे। तो सर आप विधानसभा का नहीं लड़ रहे, विधानसभा चुनाव? ओके देखिए विधानसभा से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको इकोसिस्टम नेशन का पैदा करना है। विधानसभाएं तो आप गिराओगे फिर, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रही है। और ये जो है अपने आप को जो मठाधीश कह रहे हैं, ये मठाधीश नहीं है। आज ये आप बताइए, 80% केसेस में थानों में FIR दर्ज नहीं हो रही है। ये जो है राज्य शासन की संवैधानिक जिम्मेवारी है, जो Schedule 7 List 2 Entry 2 में दी गई है। और यदि आप इस ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो इसे संविधान की मशीनरी की फेलोर मानी जाएगी। बिल्कुल सही संविधान की कहा। मशीनरी की फेलोर के लिए संविधान में एक Article 356 है, जो कह रहा है कि यदि संविधान की मशीनरी फेलोर होगी, तो उसे जो है Article 356 के तहत डिसमिस किया जा सकता है। सर जिस प्रकार से वरद मूर्ति मिश्रा जी ने अभी मेरी बात ना अभी इसको सुन लीजिए, फिर इसके बाद आगे निकालेंगे। तो इसमें जो है 356 को जमीन पे उतारने के लिए संविधान ने व्यवस्था की है, गवर्नर का इंस्टीट्यूशन लाए हैं। और गवर्नर की ये जिम्मेवारी होती है कि हर महीने एक रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को भेजता है कि ये जो जिसका मैं गवर्नर हूँ, वो प्रदेश जो है संविधान की मशीनरी के और जो है ना व्यवस्था के अनुरूप चल रहा है, राइट? तो सभी गवर्नर झूठी रिपोर्ट भेजते हैं, क्योंकि कोई भी सरकार संविधान की व्यवस्था के अनुसार नहीं चल रही है। कोई भी सरकार नहीं चल रही है, 100% सरकारें जो है संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल रही हैं। अब भी बताओ ना, जो जिसका दिल कर रहा है वो कर रहा है, संविधान तो ये नहीं कह रहा है ना। संविधान का तो पूरा व्यवस्था जो है Schedule 7 की List 1 और 2 और 3 में दिया है। जो अपना बिल्कुल काम सही नहीं कहा, करेगा, उसे संविधान की मशीनरी की फेलोर मानी जाएगी और उसे गिरा दिया बिल्कुल। जाएगा। तो क्राइम फ्री भारत मिशन, इन्होंने गलती की और हमने सरकार को गिराया। ओके तो अभी क्यों हम अपना समय खराब करें? बात समझ आई कि नहीं आई? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही हाँ, कहा ये सर, अभी बिल्कुल सही आप करोगे तो ये दुष्ट लोग जो है कि जैसे केजरीवाल को काम करने नहीं दिया, लेफ्टिनेंट जनरल को सिर्फ इसीलिए लगा दिया कि केजरीवाल काम ना कर पाए। हालांकि केजरीवाल खुद साला देशद्रोही है, कपटी आदमी है, बहुत महा महाकपटी आदमी है, तो उसके प्रति मुझे कोई सम्पत्ति नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि भाजपा ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल को यूज किया उसको काम ना करने देने के लिए। सही ये कह रहे बात हैं, आप सही मानते हैं बात। कि नहीं मानते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह तो रहे यदि हैं आप अभी विधानसभा का चुनाव लड़ लेंगे, आप। तो ये आपको काम ही नहीं करने देंगे। हाँ ये सही कह रहे हैं आप। तो फिर वहां पहुंचो ना कि हम इन्हें गिराएंगे, उल्टा करेंगे ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, बात सही कह रहे हैं नहीं आप। नहीं यदि आप यहां से गिरोगे तो ये आपको काम नहीं करने देंगे, और काम ना करके जो है ना उसको दुष्प्रचारित भी करेंगे। तो आप दुष्प्रचार का मौका क्यों देना चाहते हैं, जब आपके पास पूरी मास्टर स्ट्रोक है, मास्टर स्ट्रेटेजीज हैं, इकोसिस्टम बना हुआ है, टेक्नोलॉजी बना हुआ है, तो आपसे ज्यादा बड़ा चाणक्य और कौन हो सकता बस 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 सही कह रहे हैं आप ये है? बात ये तो। बताइए, मुझसे बड़ा कोई चाणक्य हो सकता है क्या, नहीं जिसने नहीं नहीं कानून भी बना के ड्राफ्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को September 2020 में भेजा है, जिसने 12 स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन करके क्राइम फ्री भारत की टेक्नोलॉजी बना के रखी हुई है? ओके तो मैथिली शरण गुप्त से जो है ना ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति कोई है ही नहीं। लेकिन सर ये, लेकिन और जिस उसने प्रकार एक से ऐसा भरत, मॉडल तैयार कर दिया है कि नहीं सर 2024 भरत, है? लेकिन सर ये भरत मूर्ति मिश्रा भी तो जो है उन्होंने VRS लेके राजनीति के मैदान में उतारा है वो भी तो। देखो, हम जो है राजनीति के मैदान में बिल्कुल नहीं उतरेंगे। हम राजनीतिक राजनीति की कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करेंगे, बट राजनीति नहीं करेंगे। हम राजनीति का तरीका बदल देंगे, इबादत बदल देंगे। जैसे हम राजनीतिक देखिए, हमारी राजनीतिक पार्टी का सिर्फ काम इतना ही है कि वो हाथ जोड़ के जाए और चंद्रगुप्त को टिकट दे दे, राइट? इसके बाद ना तो वो कोई आम सभा कर रही है, ना कुछ प्रचार कर रही है, ना होर्डिंग लगा रही है, राइट? उसका प्रेसिडेंट कौन है, क्या है क्या नहीं है, ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जमा खर्चे के लिए है, और किसी पब्लिक के लिए उसकी कोई जरूरत नहीं है, राइट? क्योंकि मुझे एक राजनीतिक पार्टी चाहिए होगी जो लोगों को टिकट दे, क्योंकि वो टिकट होना एक औपचारिकता है। और फिर जो है ना, हम
कोई जुलूस निकालेंगे, ना कोई जो है आम सभा करेंगे, ना हम कोई प्रचार के लिए निकलेंगे। हमारा ओके प्रचार जो है 100 करोड़ लोग अपनी छत पर थाली बजाकर दीपक जला के खुद करेंगे। बहुत बढ़िया था, तो बहुत बढ़िया। हम कहाँ राजनीति में आए हैं? हम तो अपने घर के बाहर नहीं निकलने वाले हैं। मैत्री शरण गुप्त जो है अपने बंगले के जी बाहर नहीं निकलने वाले हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और आप मुझे बताइए कि हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा आए कि ना आए, और हम जो है इन जो राजनेताओं ने इतनी वसूली और मक्कारी और भ्रष्टाचार से पैसा इकट्ठा किया है, हमारे गरीब लोग चुनाव के समय वो भी इनसे छुड़ा लेंगे, बहुत और हम बढ़िया था उसको ऑर्डिनेंस बना के इन्हें जेल जाने की जी। व्यवस्था भी करेंगे। तो हम इनको जो है ना अकेला पैसा छुड़ा के नहीं आपने तो छोड़ेंगे। सर बहुत बारीकी से देखा है सर, हर चीज को आपने, सरकार को आपने, और ब्यूरोक्रेसी में किस तरह से होता इसलिए है। बिल्कुल इसलिए तो कहते हैं ना कि इनसाइडर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको हर चीज बिल्कुल की बहुत बारीक समझ होगी। बिल्कुल सही कहा आपने ये बात को। तो और आपके सामने तो कौन कौन सी घटनाएं नहीं हुई सर आपके सामने, आपने सरकार बदलते हुए देखा है आपने। सही बात है, सही बात है, नहीं सही बात है, सही बात है। तो ये सर, जो मैं है, तो जैसे बात मैं ये आपका नंबर था चाहूंगा, मेरे पास देखो चैनल जो है आजकल सभी बिके हुए हैं, इनके मात इनके सब जो ऑनर हैं वो भी डरे हुए प्राणी हैं, सब पेट पाल रहे हैं, सब अपने व्यवसाय को जो है ना प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने चैनल चला दी हैं, राइट। सही कह रहा है अभी बात। लेकिन कम से कम यदि कोई डिबेट कराओ तो इन उसमें कराओ ना, कैसे जो है ना 2024 में जो है सभी राजनेता हारेंगे, इस पर डिबेट होना चाहिए ना। क्राइम फ्री भारत ने मिशन ने एक गोपनीय पार्टी लॉन्च कर दी है, लेट इट बी ए ब्रेकिंग न्यूज। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया, ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, और बिल्कुल मैथिलेंद्र सही है। गुप्त ने कहा है कि उस राजनीतिक पार्टी को जो है ना हम गोपनीय रखेंगे, क्योंकि हम उससे राजनीतिक पार्टी का कोई काम ही नहीं कराने वाले हैं, बहुत उसका बढ़िया सिर्फ सर, एक ही बहुत काम है बढ़िया टिकट बांटना, नथिंग मोर देन सर। दैट। नहीं, बहुत बढ़िया सर। और आपने ये बात जो कही है ना, ये हो सकता है कि थोड़ी दिनों बाद ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे ही सामने आ जाए सर। तो मैं तो और कह मेरा दिया तो हूं, मैंने तो आपका न्यूज ब्रेक कर दी, अब आप लोगों को जब जारी करना हो तब जारी करिए। देखिए बिल्कुल बिल्कुल सही है, हमने तो बिल्कुल न्यूज ब्रेक कर दी, अब आप ब्रेकिंग न्यूज आपको बनाना है। सर। आपका आपका निवास कहाँ पे है सर आपका? मेरा निवास भोपाल में है, नहीं, भोपाल में सर कहाँ पर? सर कोला रोड पर है, एक छोटी सी आईपीएस ये कॉलोनी है, वहां रहता हूं। तो नहीं, अपने जो वो नहर के सामने जहाँ पे दिनेश सुकरान साहब का मकान है सर, नहीं, वो तो बड़े लोगों का मकान है, छोटे लोगों का। आपका आपका किस नाम से सर कॉलोनी आपकी? दानिश कुंज कहते हैं उसे। दानिश कुंज, उनके सर। तो कभी मेरा आना हुआ तो सर मैं आपको फोन लगा के आऊंगा सर, जरूर मैं जरूर आप आइए और सर। हिम्मत बांटिए। हम तो ये कह रहे हैं कि चलिए पत्रकारिता को तेल लेने जाने दीजिए, जी। आप व्यक्तिगत हैसियत से जुड़िए और खुद को चंद्रगुप्त बनाइए। और चंद्रगुप्त का सिर्फ एक ही काम है कि जब आप एक व्यक्ति को जोड़ेंगे तो उसके लिए ऐप लॉन्च है, तो ऐप को जो है ना आप लिंक भेज दूंगा मैं, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, अभी भेज दूंगा आपको मैं लिंक, राइट। और आप व्यक्तिगत हैसियत से उससे जुड़ जाइए, ठीक है ना। आप जितने लोगों को जोड़ेंगे तो हर व्यक्ति को जोड़ने पे आपको 100 पॉइंट मिलते हैं, उसको प्रतिष्ठा पॉइंट कहते हैं, राइट। ओके तो एक व्यक्ति को आप जोड़ेंगे तो वो सिस्टम आपको मोहल्ला अधिकारी घोषित कर देगा, जैसे ही आप 3 व्यक्तियों को जोड़ेंगे तो आपको टाउन ऑफिसर घोषित करता है, जैसे ही आप 5 लोगों को जोड़ेंगे तो वो ब्लॉक ऑफिसर घोषित करता है, 10 व्यक्तियों को जैसे आप जोड़ेंगे तो वो आपको जिलाधिकारी घोषित कर देता है, 50 लोगों को जैसे ही आप जोड़ेंगे तो राज्य अधिकारी घोषित करता है, और 100 लोगों को जैसे ही जोड़ेंगे तो वो आपको राष्ट्रीय अधिकारी घोषित करता है। तो आप कहेंगे साहब इससे फायदा क्या है? ये इसलिए घोषित करता है कि आपको इस बात का विश्वास और एहसास हो जाए कि आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, आप अपना काम करिए, सिस्टम आपको अपने आप रिवार्ड करेगा, सिर्फ सिर्फ इस बात को महसूस करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। और जब आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे, 100 लोगों से अधिक जोड़ के और लोगों को आप जोड़ेंगे, तो जो है वो आपकी चंद्रगुप्त की यात्रा प्रारंभ हो गई। अब चंद्रगुप्त की डेफिनेशन क्या है कि जो जितने ज़्यादा अधिक से अधिक लोग उस क्षेत्र में, जैसे मान लो सांसद के लिए है या विधायक का है तो एमएलए का हो गया है, तो जिस जिस तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो अपन 2024 में सांसद की बात करेंगे, राइट। तो सांसद का जो क्षेत्र होगा उस क्षेत्र का जो व्यक्ति है निवास करने वाला, उसके जिसके सबसे अधिक प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे वो चंद्रगुप्त है। तो चंद्रगुप्त की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई है?
बिल्कुल बिल्कुल सर मतलब अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने वाले का नाम चंद्रगुप्त है, ठीक है ना, और उस सांसद वाले क्षेत्र के लिए, तो हर सांसद के लिए एक चंद्रगुप्त होगा, राइट। बहुत अब बढ़िया उस सर जी सर चंद्रगुप्त के पास जो है, हमारी जो गोपनीय राजनीतिक पार्टी है, उसे बहुत पब्लिक में आने की बाद में भी जरूरत नहीं है। उसका ओके काम तो सिर्फ चंद्रगुप्त के पास जाके उसको टिकट देने का काम है, और दूसरा काम तो उसको दिया नहीं गया है, तो उसको बहुत बहुत पब्लिक जाहिर होने की क्या जरूरत है, बिल्कुल सही जगह ठीक है ना। अब वो टिकट आपको मिल गया, तो ये जिसको टिकट मिला वो कोई चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकलेगा, नो कैनवासिंग, नो हाउस टू हाउस, वो कहीं नहीं जाएगा, वो भी अपने घर से नहीं निकलेगा। उसको जो है जिताने के लिए जो लोगों को आप जोड़े हैं, जो मिशन का हिस्सा बनेंगे, वो जो है थाली बजा के, दीपक जला के, वो उद्घोषणा करेंगे कि मेरा चंद्रगुप्त फलाना फलाना है, मैं उसे जिताऊंगा, ठीक है ना। और यह घोषणा वो हर दिन करेगा, तो हर दिन दीपक जलाएगा, हर दिन थाली बजाएगा, और कहेगा कि फिर मेरा चंद्रगुप्त फलाना फलाना है और मैं उसको जिताऊंगा। तो जब उसको जो है ना ये घोषणा करते लोग देखेंगे, तो राजनेताओं की तो सुपटी उपटी गुम हो जाएगी, तो वो सब अपने अपने जो भ्रष्टाचार का जो मामला है उसको लेके पहुंचेंगे, भाई साहब मैं इतना पैसा दूंगा या तो मुझे वोट दे देना। तो कहेगा देखो यार, हमारा वोट इतना सस्ता वस्ता नहीं है, 1-2 हज़ार में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा तुमको, 20-30 हज़ार की बात करो तो फिर कुछ सोचेंगे, राइट। क्योंकि वो स्ट्रेटेजी है, ये भ्रष्टाचार के पैसे को इनसे खींच छीन लेने की स्ट्रेटेजी है, और ये क्राइम फ्री भारत मिशन की सोची समझी स्ट्रेटेजी है कि हम ये भ्रष्टाचार का पैसा, ये एक पहले तो 1-2 हज़ार देते थे, अब 20-30 हज़ार देंगे, तो 10 चुनाव के बराबर पैसा हम एक ही उसमें खींच लेंगे इनसे, सही बात है सर। मतलब। सर मैं एक बार आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आपके सर्विस काल की है और हाँ चूंकि आप रिटायर्ड भी हो चुके हैं, जहां तक मेरे को जानकारी है, मैं हमेशा पढ़ता था कि हाँ हाँ पुलिस महानिदेशक के लिए आपका नाम चलता था, हाँ हाँ तो क्या कारण रहा सर एकदम कि ना ये ये बहुत सिंपल सा कारण था कि ये लोग डरे हुए लोग थे, इन्हें लगा कि ये व्यक्ति जो है किसी की बात नहीं मानेगा, क्योंकि मैंने तो कहा था कि आप मुझे डीजी बनाइए, मैं देश की पुलिस को बदल दूंगा, ये तो मेरा बाकायदा इंटरव्यू छपा है, लोगों के बातें बहुत मीडिया में बहुत चला है ये। हाँ बोल बोल मैं कह रहा हूँ आपसे। तो ये इनका डर था कि ये व्यक्ति हमारी बात नहीं मानेगा, तो मैं जिन लोगों को ये डर था, मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम कितने दुबले पतले चरित्र के व्यक्ति हो, इतनी घटिया बात कहते हो कि तुम्हारा डीजी तुम्हारी बात नहीं मानेगा, तुम्हारा यही चरित्र है क्या, तुम इतनी घटिया बात क्यों कहना चाहते हो कि तुम्हारा डीजी तुम्हारी बात ना माने। यदि तुम नियम संगत बात तो करोगे तो ना डीजी की औकात नहीं है कि तुम्हारी बात ना माने। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये बात। तो ये इनका अपना दुर्बल सर चरित्र था। उस समय कमलनाथ सरकार थी सर या ये अपने शिवराज, क्योंकि मैं कमलनाथ थोड़ा सा की थी, पूछना। और दिग्विजय सिंह वाज द पर्सन हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, बिकॉज मैं उसके जिले का एसपी रहा हूँ, ही नोज कि मैं भगवान की भी बात नहीं मानता हूँ। ओके ऐसे बहुत सारे जो है ना हम लोगों के आपस में संवाद हैं जिसे पब्लिक को नहीं करना चाहेंगे, तो नहीं ही नहीं नोज बिल्कुल वेरी सही कह रहे फुल्ली हैं के जो है ना, मैं जो है जी। गलत बात तो किसी की भी नहीं मानता हूँ, नहीं नहीं बिल्कुल आप लेकिन सही कह रहे हैं काम। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप गलत बात कहने ही क्यों चाहते हैं। मेरी 37 साल की नौकरी में तो किसी ने मुझसे गलत बात नहीं कही, तो डीजी बन के तुम मेरे से जो है ना गलत बात क्यों कहना चाहोगे, और मैं क्यों सुनूंगा तुम्हारी बात, जब एज एसपी नहीं सुना तो एज डीजी क्यों सुनूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। है? वो इसी कारण से है ना, मुझे लगता है कि फिर आपको थोड़ा सा दरकिनार नहीं, किया लेकिन गया। मैं आपको बताऊं, ये कॉस्मोस की डिजाइन के कारण मैं डीजी नहीं बना, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यदि मैं डीजी बन जाऊंगा तो मेरे चरित्र में शायद कुछ दुर्बलता आ जाएगी, और ये कॉस्मोस को मंजूर नहीं था कि मैथिली शरण गुप्त के चरित्र में कोई दुर्बलता आए, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त तो इस देश का इतिहास बदलने वाले हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। यदि मान लो मैं डीजी बनता तो कुछ तो दबाव में चलता हमारे ऊपर के, नहीं चलता, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप। कॉस्मोस को लगा कि इसको डीजी से बाहर रखना बहुत जरूरी है, जिससे ये दबाव के बाहर दबाव में ना आए, इसके चरित्र में कोई खोट ना आ जाए, राइट। तो ये जो है ईश्वर की इच्छा थी कि डीजी यदि ये बन जाएगा तो इसके चरित्र में खोट आ जाएगा, तब ये इतनी बड़ी बातें इतनी निर्भीकता से नहीं कह पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है आपकी आज बात। ये बताओ, कोई ये कह सकता है कि मैं 2024 में सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेताओं को हराऊंगा, किसकी औकात है ये बात कहने की, बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही कह रहा है।
मतलब सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हराऊंगा, और जीतेगा कौन? बिल्कुल जीतेगा कौन? झुग्गी में रहने वाला चंद्रगुप्त, जो ज्यादा लोगों को जोड़ेगा, सही सही कह जिसका रहा किसी है को नाम नहीं मालूम है। सर। आपने जिस प्रकार से ये अरुणा मोहन राव जी ने जिस प्रकार से कोचिंग शुरू करी है आईएएस आईपीएस की, हाँ बच्चों हाँ को प्रशिक्षण देने की, तो नहीं वो बहुत अच्छा, वो आपने बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन हमें देश हाँ देश देश को ठीक करने के में ज्यादा रुचि है। तो अपनी अपनी रुचि का सवाल है, वो कुछ चरण सेवक जो है ना पैदा करेंगे, हम कुछ राष्ट्र सेवक पैदा करेंगे, है? वो जो है ना इन राजनेताओं के चरण सेवक बनेंगे आईएएस आईपीएस बन के, और हमारे चंद्रगुप्त जो है इन इन जो है ना दुष्ट राजनेताओं को धूल चटा देंगे। और ऐसे चंद्रगुप्त होंगे जिनका कोई नाम नहीं होगा, जिनकी कोई औकात नहीं होगी, और उनके सामने ये बड़े बड़े राजनेताओं की जमानतें जब्त होंगी, कितना मजा आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं और यानी सर आपका आप मुझे कॉन्सेप्ट अलग बताओ, है, नहीं है? मैं समझ गया सर, आपका कॉन्सेप्ट अलग है, आप देश की राजनीति में एक बदलाव लाना चाहते हैं आप। अरे देश की राजनीति तो बदलना ही बदलना है। ये बताओ ना, आप ये जो है ना कोई आम सभा नहीं होगी, कोई 5 पैसे खर्च नहीं होगा। देखिए मैं पहले 100 करोड़ की फीलिंग बताता हूँ, कैसे 100 करोड़ बनेंगे हम। आज ये आजकल तो ये 33 करोड़ पे ही जीत जा रहे हैं, और मैं जो गुप्त कर रहे हैं कि हमारे पास 100 करोड़ होंगे, तो इन सब की तो फिर जमानत जब्त तो होना ही है ना। बिल्कुल ठीक आपने जी। अच्छा अब आप मुझे ये बताइए, यदि मैथिली शरण गुप्त ने आज ही ये कार्यक्रम चालू किया, राइट, और राकेश शर्मा जैसे 8 और व्यक्तियों से बात की, तो टोटल 8 धन 1 9 और ये मैं मिलके 10 हो गए कि नहीं हो गए, तो आज हम 10 लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हाँ बिल्कुल सर, हो सकते हैं ना सर, नहीं, मतलब जब हम एक हम हैं ही, 9 को और जोड़ लिया तो 10 हो गए, 10 होगा, बिल्कुल और सही दस कहा लोगों आपने। को ऊर्जाकृत भी किया, और जिस तरीके से मैं आप में ऊर्जा डाल रहा हूं, अभी आपको ऊर्जा कुछ मिल रही है? नहीं मिल रही है, 100% मतलब आप कुछ ऊर्जा फील कर पा रहे हो ना? हाँ, तभी तो सर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ लंबी। तो ऊर्जाकृत होना जो है अपने आप में, ये इसी को हम ऊर्जाकृत करना कहते हैं, इसी को संकल्पित करना कहते हैं। तो संकल्प जो है 9 दिन का है कि हम 10 10 लोगों को जोड़ेंगे, ठीक है ना? तो आप ऊर्जाकृत भी हो गए, संकल्पित भी हो गए, और पहले दिन हम 10 हो गए, ये 10 ऊर्जाकृत और संकल्पित लोग 10 10 लोगों को जोड़ेंगे, तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे, तीसरे दिन 1,000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़, नौवें दिन 100 करोड़। और जब हम 100 करोड़ सुनते तो दिमाग घूम जाता है, अरे 100 करोड़, बाप रे बाप, कैसे जुड़ेंगे? तो बिल्कुल नहीं जुड़ेंगे, ये लगता है कि नहीं लगता है? अरे ये तो सब हवाई खेल है, ये सब कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना? ये ख्याल आएगा कि नहीं आएगा? अब हम इसको जो है ना दूसरे तरीके से जो है ना घुमा के दिखाते हैं कि 9वें दिन जो 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे, और 9वें दिन संकल्प पूरा हो जा रहा है, तो उन्हें एक भी व्यक्ति को नहीं जोड़ना है, तो 90 करोड़ लोग खुद जुड़ जाएं, इससे संकल्प की पूर्ति हो जाएगी। तो क्या खुद जुड़ना कठिन काम है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, नहीं, कठिन बहुत काम। सरल है कि नहीं है? जैसे मान लो अभी मैं आपको लिंक भेजूंगा, आप जुड़ गए, तो इसमें क्या कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं है सर। कोई कठिनाई नहीं है, राइट? अब 8वें दिन और 9वें दिन का जोड़ करते हैं, तो 90 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, और जुड़ने वालों की संख्या 99 करोड़ है, राइट? इसका मतलब है कि प्रति व्यक्ति को 0.9 व्यक्ति जोड़ना है। मतलब यदि एक व्यक्ति को जोड़ लेगा, तो यदि पति अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को जोड़ ले, इतने मात्र से जो है 99 करोड़ लोगों का संकल्प पूरा हो जाएगा। तो क्या ये बहुत कठिन है क्या? कोई ज्यादा कठिन राइट? अब मैं मैथिली शरण गुप्त से शुरू करता हूं कि मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है, क्योंकि उनके पास 9 दिन है, राइट? जो 9 लोगों को वो जोड़ेंगे, उनके पास 8 दिन होगा, तो 9 लोग जो है 80 80 लोगों को जोड़ेंगे, राइट? बिल्कुल सही अगले है दिन सर। जो 90 लोग जुड़ेंगे, उनके पास 7 दिन होंगे, तो 90 लोगों को 70 लोगों को जोड़ना है, राइट? फिर जो 900 लोग हैं, उन्हें 60 लोगों को जोड़ना है, 9,000 लोगों को मात्र 50 50 लोगों को जोड़ना है, 90,000 लोगों को मात्र 40 40 को जोड़ना है, 9 लाख लोगों को जो है ना मात्र 30 30 को जोड़ना है, 90 लाख लोगों को मात्र 20 को जोड़ना है, और 9 करोड़ लोगों को 10 को जोड़ना है, और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है।
तो ये कितना आसान है, आसान है कि नहीं है? अच्छा, बदले में आपको क्या मिल रहा है? आपकी जेब से 5 पैसे नहीं जा रहे हैं, टिकट आपको अपने आप मिल रहा है, सिर्फ आपको चंद्रगुप्त साबित करना है। तो जो बिल्कुल आप सही अपने कह आप को चंद्रगुप्त बना रहे हैं, आप मुझे बताइए, रहे हैं। आपके 5 पैसे खर्च हो रहे क्या? हाँ नहीं हो रहे, राइट? आप कोई नियम कानून या कोई कंडक्ट रूल तोड़ रहे हैं क्या? नहीं तोड़ रहे हैं। आप ना चक्का जाम कर रहे हैं, ना घेराव कर रहे हैं, ना कोई जुलूस निकाल रहे हैं, ना रेल रोको कर रहे हैं, ना जंतर मंतर पे जा रहे हैं। तो कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस के लिए कोई जगह है आपके पास? नहीं है। नहीं है। और आप जो है लोगों को जोड़ेंगे अपने, तो उसमें जो है 5 तरीके के लोगों को जोड़ने की व्यवस्था है कि अपने को जोड़ो, अपने परिवार के लोगों को जोड़ो, अपने मित्रों को जोड़ो, रिश्तेदारों को जोड़ो और अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ो। ये 5 अंतःविधाएं हैं और 16 वायुविधाएं हैं, ठीक है ना? तो इन लोगों को जोड़ना है। तो जब आप इन लोगों से बात करेंगे, उनको ऊर्जाकृत करेंगे, उनको संकल्पित करेंगे, तो आपका नेटवर्क में मिठास बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? 100%। तो आपके जेब में 5 पैसे नहीं जा रहे हैं, नंबर 1। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई रूल को नहीं तोड़ रहे हैं, कोई कंडक्ट रूल नहीं तोड़ रहे हैं, और अपने लोगों से बात करने के चक्कर में आपके नेटवर्क में और मधुरता और मिठास आ रही है। तो आम के आम गुठलियों के दाम हो गए कि नहीं हो गए? 100%। अच्छा, इसमें एक शपथ पत्र भी भरना है। तो वो शपथ ओके। पत्र कह रहा है कि आपको संकल्प लेना है। इसके 3 हिस्से हैं संकल्प के। संकल्प का पहला हिस्सा है कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने देश को जो है अपराध मुक्त बनाऊंगा और इसके लिए मैं चंद्रगुप्त बनूंगा। तो पहला संकल्प है चंद्रगुप्त बनने का, और चंद्रगुप्त की डेफिनेशन मैंने आपको अभी समझाई दी है, ठीक है ना? अच्छा, फिर दूसरा संकल्प है कि मैं क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और प्रतिदिन एक वीडियो देखूंगा जिससे मेरी ऊर्जा का लेवल जो है वो उत्तरोत्तर बढ़ता जाए। बहुत बढ़िया। तो संकल्प का दूसरा हिस्सा हो गया। फिर संकल्प का तीसरा हिस्सा है कि मैं प्रतिदिन नियत दिन वार के हिसाब से लोगों को जोड़ूंगा, राइट? और जो उनको संकल्पित करूंगा, ऊर्जाकृत करूंगा और जोड़ूंगा। तो सोमवार को अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ना है, मंगलवार को मित्रों को, पड़ोसियों आदि को जोड़ना है, बिल्कुल सही है, बुधवार को रिश्तेदारों को जोड़ना है, बिल्कुल सही है गुरुवार सर, को जो है अपने विभिन्न सर्कल के लोगों को जोड़ना है, बहुत बढ़िया सर। राइट? शुक्रवार को जो है विद्यार्थी और युवाओं को जोड़ना है, शनिवार को वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है, और रविवार को जो है समाज सेवी संगठनों के लोगों को जोड़ना है। ऐसे लोगों के जोड़ने का दिन भी नियत है। बहुत बढ़िया। अब आप ये बताइए, जब आप किसी को नहीं जोड़ रहे हैं तो 90 करोड़ का संकल्प पूरा हो जा रहा है खुद जोड़ने के मात्र से, और जोड़ने की इतनी सारी स्ट्रेटेजीज हैं, तो बड़ी आसानी से 100 करोड़ का पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? 100%, अच्छा, 100%। अब आप ये मुझे बताइए कि हमारी मदद के लिए कबीर बाबा कुछ कह गए हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बहुत पहले कबीर बाबा ये कह के गए हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। तो वाह आप वाह कह वाह, रहे होंगे बेटा कि साहब इस देश की आबादी तो 137 करोड़ है, आप 100 करोड़ पे ही क्यों रुक जा रहे हो? आपने एक क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा मुझसे कि आपने अपना ब्रेक 100 पे ही क्यों लगा दिया है, राइट? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये जो 37 करोड़ लोग हैं, ये विद्वान, स्वार्थी, खुदगर्ज लोग हैं जो अपने लाभ के लिए किसी भी सीमा तक गिरने के लिए तैयार हैं, जो इन राजनेताओं के चरण सेवक हैं। इनमें ज्ञान की कमी नहीं है, लिहाजा ये हमारे लिए पत्थर तुल हैं। इन्हें लात मार के हमें अपने मिशन में नहीं जोड़ना है। जैसे ही हमें ये महसूस हुआ कि ये विद्वान तो है लेकिन खुदगर्ज और स्वार्थी है, उसको हम पत्थर मान लेंगे। और फिर जो है जब 100 करोड़ लोग जुड़ जाएंगे तो उनकी लालिमा से कबीरदास जी कह गए हैं कि ये पत्थर साले, ये भी जो है लाल होते हुए नहीं बचेंगे, ये भी ऊर्जाकृत होके, संकल्पित होके जुड़ जाएंगे। तो ये 100 करोड़ पे नहीं थमेगी, वो 137 करोड़ पे थमेगी, लेकिन फिर 100 करोड़ के ऊपर की यात्रा मैं नहीं करूंगा, वो कबीर बाबा करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कभी वो पूरे 137 करोड़ हो जाएंगे, लेकिन वो मेरे कारण नहीं होंगे, वो कबीर बाबा के कारण होंगे। बहुत बढ़िया सर, सही क्लियर? काम किया। हाँ अब ये बताओ, इस रणनीति से
आपको नहीं लगता है कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता हारेंगे? 100%। आपको नहीं लगता है कि ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है कल की? इसको तो सर क्या करेंगे कि जब आपसे हम बाइट करेंगे, एक बार बाइट करने आऊंगा तो मैं ना फिर आपसे बहुत शॉर्ट में बुलवाऊंगा उस समय तुम्हें कि सर मैं केवल इसी विषय पे आप हो रही है, तो क्या केवल हमारा काम जो है केवल हम उसी पे करते हुए हम जल्दी करेंगे इसको। बिल्कुल इससे ठीक क्या है। है सर कि है और ना सर, देखो, हमें बहुत जल्दी नहीं है, क्योंकि हमारा तो ये संगठन नीचे नीचे चल रहा है ना, जी, तो हमें क्या जल्दी है, हमें तो 2024 तक का समय है ना। नहीं, 100%। और हम तो चाहेंगे सर कि ना कम से कम ये इसकी जानकारी लोगों तक मिले सर उसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम तो हमारी तरफ से जितना होगा ना तो अच्छा हम राकेश इसमें जी, ये आपकी। बताओ, ये आपको किसी आईपीएस ऑफिसर का ख्याली पुलाव लग रहा है, या आपको लग रहा है नहीं, बड़ी खतरनाक जो है ना रणनीति है, इसके सामने ये दुष्ट राजनेता जो है, ये चारों खाने आपने चित्त हो जाएंगे? नहीं देखिए सर, आपने मैं आपको बता जो मेरा एक छोटी सी हेल्प ज्ञान या छोटी सी बुद्धि भी आप कहते हैं चाहे तो हाँ आपके सामने तो मैं बच्चे ही हूँ, क्योंकि मैंने जितना देखा है कि आपने जितना ब्यूरोक्रेसी में और अंदर तक दूसरा सरकार के हर पहलुओं पर आपने जितना आपने यानी अंदर तक आप जाके आपने वो महसूस किया है, तो आपको लगता है कि नहीं बदलाव की आवश्यकता है। और मैं ऐसे नहीं ऐसे करके मैं क्योंकि मैं सामने नहीं आऊंगा, लेकिन मैं जनता के अंदर एक जोश जज्बा जगाने की कोशिश कर सकता हूं, ये मेरा मानना है सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि है ना हम सर। झुग्गी में बैठने वाले व्यक्ति को, लोगों को जोड़ के चंद्रगुप्त बना दूंगा, और वो चंद्र छोटा सा झुग्गी में बैठा हुआ चंद्रगुप्त जो है ना, ये बड़े बड़े मठाधीशों को धराशायी कर देगा, बिल्कुल आप और वो हंड्रेड भी बिना 5 पैसे खर्च किए हुए। तो भरत आपके भर मोहन भर के सर पैसे, आपके भर भर के पैसे लुटेंगे, आप जो है जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस मीडिया में पैसे बांटेंगे, आईटी सेल को पैसे बांटेंगे, जो सोशल मीडिया में भी लोगों को जो है ना, विभिन्न हैंडलरों को आप जो है अपने कब्जे में लाके उनको पैसे बांटेंगे, और हम बिना पांच पांच पैसे खर्च किए हुए अपने चंद्रगुप्तों के सहारे देश के सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वो राजनेता और वो जो है चंद्रगुप्त आप भी हो सकते हो। तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, यू प्लीज ज्वाइन इट इन पर्सनल कैपेसिटी, नॉट एज ए पत्रकार। बिल्कुल भाई, बिल्कुल सर आपकी जी, पर्सनल कैपेसिटी तो है ही ना, बिल्कुल सही आपके कहा देश आपने। के हाँ हित में आप भी तो लोगों को जोड़ सकते हैं, बस उसके लिए आपको ऐसे पत्रकारिता से जो है ना रिजाइन करने की जरूरत थोड़ी है। न्यूट्रल होकर हम सब काम कर सकते हैं ना सर। मैं वही कह रहा हूं, आप न्यूज जी कवरेज चाहे ना करो, यदि नेता तुम्हारे जो है ना आका को पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन आप जो है ना क्राइम फ्री भारत में अपनी पोस्ट तो डाल ही सकते हो ना, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है कि आपने, नहीं? बात हाँ, बिल्कुल सही तो कह रहे हैं राकेश, आप। मैं कह रहा हूं कि क्या मालूम है कल के जो है मध्य जी प्रदेश के मुख्यमंत्री आप ही हो, क्योंकि क्योंकि नहीं, क्योंकि देखिए, जो अपने आप को चंद्रगुप्त साबित करेगा उसको मैथिलीशरण को चंद्रगुप्त नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल वो सही कह रहे लोगों हैं, को जोड़ेगा, और जो अधिकतम लोगों को जोड़ेगा वो चंद्रगुप्त है, तो राकेश हंड्रेड शर्मा चंद्रगुप्त क्यों नहीं हो सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, बात तो आप बिल्कुल जो है कल के, अच्छा, जब जब आपके जेब के 5 पैसे खर्च नहीं होना है, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, तो इससे सुंदर अपॉर्चुनिटी क्या राकेश शर्मा को और कहीं 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 से मिल सकती है क्या? नहीं, बिल्कुल सही कहा सर और आपने, आपको बात अपना काम भी करना है, तो काम में आप बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, तो इतने सारे लोगों को जानते हैं, उनको जोड़ने में लग जाइए, मोहल्ले बिल्कुल, उसमें कवरेज में आ रहा है, 5 मिनट जो है ना इसी बारे में बात भी कर लिया। नहीं, बिल्कुल। और आपका तो मैंने फेसबुक पे एक बार देखा भी था, हाँ, फेसबुक पे आप जिस प्रकार से आपका आपके मैंने वो उसको ये आपका जो संगठन है इसको लेकर भी मैंने देखा था, जी तो मुझे लगा कि मैंने कहा आपने रिटायरमेंट के बाद आपने एक अच्छी नई पारी जिसे कहते हैं बिना किसी यानी हो हल्ला की या बिना किसी मीडिया के शोर शराबे की आपने शुरू करी है, मैंने कहा बहुत बढ़िया है ये। ये इस देश को बदल देगा, इसके जो, देखिए मेरा ये मानना है कि इस देश की सभी समस्याओं का जनक राजनेता है, और उसने जो है इस देश के ऊपर गुलामों के नियम कानून और व्यवस्था थोपी हुई है, वो हमारे वोट से जीतती है लेकिन हमें रिप्रेजेंट नहीं करती है, ये दुष्ट जो है अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं,
जो बाहर जो है ना बड़े बड़े नेता दिखाई देते हैं, ये बेहद ही डरे हुए प्राणी हैं। इनको हमेशा ये डर बना रहता है कि इनके आका ने जो दो चार टुकड़े इनकी प्लेट में डाल दिए हैं वो कोई नाराज होकर छुड़ा ना लें। तो बेहद ही डरे हुए प्राणी हैं ये। पार्लियामेंट के अंदर पार्टी व्हिप से डरे हुए हैं, पार्लियामेंट के बाहर पार्टी डिसिप्लिन से डरे हुए हैं। और ये इतने दुष्ट प्राणी हैं कि जिन्होंने इन्हें राजनेता बनाया है, इन दुष्टों ने अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर लात मारी है, उनको जो है ना नज़रअंदाज किया है। जिन लोगों ने जो है इनके लिए धूप में गए हैं, जिनके लिए लाठियां खाई हैं, पुलिस की जो है ना बर्बरता को सहा है, और इनको जो है ना इनके लिए आम सभाएं की और इन्हें राजनेता बना दिया है, ये दुष्ट लोग जो हैं उन्हीं कार्यकर्ताओं को अंदाज करके, नज़रअंदाज करके, जो इनको ज़्यादा पैसा देता है उसको टिकट दे देते हैं, अपराधियों को टिकट देते हैं, महाबलियों को टिकट देते हैं, दल बदलुओं को टिकट देते हैं, अपने आकाओं के बच्चों को टिकट देते हैं, लेकिन अपने खुद के कार्यकर्ताओं के साथ विश्वासघात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं बताइए, ये आप। सही चरित्र नहीं है इनका? तो ये सही कह रहे अच्छे लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं। अब आप ये बताइए, ना इनकी शिक्षा है ना सोच है, ये चार चार पांच पांच बार मुख्यमंत्री क्यों बनना चाहिए इन्हें? क्या है इनके चरित्र में ऐसा, क्यों बनना चाहिए बताइए ना मुझे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये इनके बात पास बिल्कुल ढेले भर का काम नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि बहुत सारे तो 80% तो चपरासी के नहीं बन पाएंगे। बिल्कुल। पर तो सर जो आपने जो एक पोस्ट करी थी मुस्लिमों पर, आपने अरे मैं तो उससे ज्यादा रोज बोलता हूं, और मेरे संगठन में बहुत सारे 30% से ज्यादा मुस्लिम हैं, और मैं रोज बोलता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि ये दुष्ट राजनेता हैं। अदरवाइज बताइए, इस संविधान ने आर्टिकल 25 में हर नागरिक को फंडामेंटल राइट दिया है कि वो जो अपनी इच्छा के हिसाब से जहां उसको लगता है कि मोक्ष मिलेगा उस धर्म को वो मान सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। आर्टिकल 25 है संविधान का कि नहीं है? राइट टू रिलीजन बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे है कि हैं। नहीं? हाँ है तो ना। सर आपको ये आईपी आपको जो आईपीएस एमपी ग्रुप से हटाया गया था व्हाट्सएप ग्रुप से, तो ये क्या है अरे आपने यार, जो इनका कोई चरित्र है? ये तो ग्रुप में विनीत लोग भाई ने रोज हटाया था हटते ना सर? जाते रहते हैं, इनको इतनी अकल नहीं है? नहीं, ये इनको यदि यदि अपने आप को ये विद्वान समझते हैं तो उस पर शास्त्रार्थ करते हैं ना कि आपने गलत कहा है, फलाना कहा है। ये तो इनकी औकात नहीं हुई। मैंने तो प्रखर श्रीवास्तव की सिर्फ जो फीड थी वो भेजा था, और मैं आज भी कह रहा हूं कि प्रखर श्रीवास्तव ने बहुत रिसर्च करके बहुत सही बात कही थी। प्रखर श्रीवास्तव कहाँ सर? ये प्रखर कौन है ये? श्रीवास्तव जो है ये टीवी चैनल में है, जो खरी खोटी को खरी खोटी चलाता है। खरी खोटी चैनल जो है, खरी खोटी का जो एक नाम से जो वो वीडियो बना के चलाता है, जो नहीं तो सर कैपिटल टीवी, डिजाना में कैपिटल है, टीवी में चलता है, जिसको नहीं एक ये डिजाना में भी है सर, वो संपादक है। डिजियाना में प्रतीक श्रीवास्तव है। प्रखर श्रीवास्तव ओके उनका छोटा भाई है। ओके 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 तो ये जो सही है। तुम ठीक दिशा में जा रहे हो, ये दोनों सगे हाँ भाई हैं। प्रतीक हाँ श्रीवास्तव बड़ा भाई है जो डिजियाना में है, और प्रखर श्रीवास्तव दिल्ली में बेस्ड आउट है। एंड ओके अभी तो शायद उसे इसमें गवर्नमेंट है, उसमें डीडी में मिल गया है शायद, कोई ही हैज बिकम सम डायरेक्टर वगैरह कुछ बन गया है अभी वो। ओके ओके हाँ सर। हाँ तो उसने बड़ी सर रिसर्च। आपने पर आप ये तो मानना पड़ेगा सर हाँ कि जब तक आपने रिटायर्ड नहीं हुए जब तक तो आपने सर नहीं आखिरी आखिरी साल में सीधे ना तेंदुलकर की तरह चौके छक्के खूब चलाए सर आपने। हाँ हाँ और अब तो जो है ना वो छक्के छक्के चल रहे हैं, चौके चलना बंद ही हो गए अब तो। हाँ? ये बड़ी बात नहीं है कि 2024 में सभी राजनीतिक दलों के सभी राजनेता पराजित होंगे? किसी की औकात है कहने की ये? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा आप ये और बात मैंने जो बहुत। रणनीति आपको बताई है उसके तहत ये बताओ, इन राजनेताओं की जमानतें जब्त होंगी कि नहीं होंगी? 100% होंगे और सर। ये लुटपुट जाएंगे, बर्बाद भी हो जाएंगे, क्योंकि जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है वो भी लुट जाएगा चुरा हुआ है। जी हाँ बिल्कुल सही कह रहा सर आप ये बात तो। और जो है इनको हराने वाले इतने छोटे लोग होंगे कि ये रोएंगे आंसू हैं। वो उनकी हालत दिग्विजय सिंह जैसी होगी कि प्रज्ञा जैसे व्यक्ति से जो है ना 3 लाख से हारेंगे। सही कह अब बताओ, रहा है आप प्रज्ञा जी साध्वी साध्वी जी का क्या क्या था? कुछ नहीं था।
बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं था सर, देखो हाँ, आप तो बिना उसमें उसके जो है ना, उस व्यक्ति ने आपको जो ना 3 लाख से हरा दिया, और आप अपने आप को मठाधीश कह रहे हैं, काहे के मठाधीश है। बिल्कुल सही कहा आपने सर। तो आप ये जब ये स्पेशल डीजी के पोस्ट से रिटायर्ड हुए थे तो ये एडीजी राजेंद्र कुमार मिश्रा जो थे, ये क्या ये आपकी पद पर आए थे क्या सर, ये क्या? नहीं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण पद पे थे, ये फाइनेंशियल फ्रॉड, फाइनेंशियल स्कैम्स को देख रहे थे। तो आपने उनका नाम क्यों लिया है? सर इसलिए क्योंकि मैं भी एक है ना भास्कर की वेबसाइट पढ़ रहा हूँ मैं, तो आप जब 30 सितंबर को आप 1984 बेच के आईपीएस अफसर एवं स्पेशल डीजी पुलिस रिफॉर्म आपका नाम लिखा और एक महान भारत सागर जी का लिखा है, रिटायर हो जाएंगे, तो ये मैं इसमें और लिखा हूँ इस उसमें ये बनने वाले बनेंगे ऐसा जो लिखा था, तो पदोन्नत होंगे। राज्य राजन सरकार ने दुष्टता पूर्वक इन्हें 2 महीने प्रमोट नहीं किया। कुमार मिश्रा को, हाँ, वो 2 महीने बाद प्रमोट हुए थे। मतलब ये तो सब दुष्ट लोग हैं, ये चरण सेवकों को ही जो है ना, जो चाटुकारों और चरण सेवकों का ध्यान रखने वाले लोग हैं। हाँ कुल मिला के सर ये है कि कौन कितना मोटा लिफाफा देके जाता है तो उसके आधार पे काम होगा। हाँ, या चरण सेवक होके इनकी जो सेवा करता है वो भी, तो हाँ लिफाफा प्लस जैसा, सेवा दोनों ही है। हाँ वो तो सर क्योंकि अभी भी देखिए ना आबकारी विभाग में 3 अधिकारियों की सर ऐसी क्रीम पोस्टिंग की है जो कि तीनों ही करप्शन के आरोप में ना कहते जिनकी तो जांचें भाई चल रही साहब है। जो है, जिनको हर महीने एक ब्रीफकेस लेके जाना हो, वो ईमानदार क्यों होना चाहिए? आप ये बताइए, आप गलत काम क्यों कर बोलते हैं? आप हमेशा गलत गलत कुछ चीजें पूछते रहते हो। बिल्कुल आपने जो सही कहा, ट्रांसपोर्ट देखो सर कमिश्नर है, एक्साइज कमिश्नर है, वो ईमानदार होगा तो वो बनेगा ही नहीं ना। जब मैं जो है स्पेशल डीजी रेलवे था, तो एक बंदा मेरे पास आया, बोला साहब जो है, आप क्या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनना चाहेंगे? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं, आई एम टोटली अनसुटेबल फॉर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। तुम गलत व्यक्ति के पास क्यों आए हो ये बताओ मुझे। आपने क्यों इतने एक्सट्रीम पोस्ट को आपने सर वो कर दिया? ये मलाई पोस्टिंग है, और हम मलाई हमें मलाई से अपच होती है, इसलिए हम मलाई से दूर रहते हैं जरा। मलाई में हजम ही नहीं कर सकता हूँ। जो जो साल भर जिसने जो है ना, पूरे कनर्ची सर्विस के दौरान जिसने कभी कोई मलाई ना खाई हो, तो मलाई खाएंगे तो वो अपच नहीं हो जाएगी उसे? इसलिए मलाई से दूर रहना ही ठीक है। रिटायर्ड आईपीएस अफसरों का आप एक संगठन बना लीजिए सर आप तो। यार, ये अधिकांश आईपीएस ऑफिसर चरण सेवक हैं, इनका संगठन मेरा क्या भला करेगा? रिटायर्ड इससे अच्छा तो जो वो झुग्गी में रहने वाला चंद्रगुप्त है, जिसमें जज्बा है देश बदलने का, वो इन चरण सेवकों से ज्यादा बेहतर हैं। क्योंकि इनकी सर ये विद्वान हो सकते हैं, लेकिन ये विद्वान खुद के लिए हैं। तो ये खुदगर्ज स्वार्थी इन राजनेताओं के चरण सेवक हैं, ये किसी बड़े काम के लायक ही नहीं है। इनकी सोच और शक्ति नहीं है कि जो है ना, बड़ी चीज सोच सकेंगे। ओके okay. नहीं तो सर जितने रिटायर्ड हम जो तो ये कह रहे आईपीएस हैं कि सर, जब हमें सब कुछ है, यदि आप सोचते हैं कि आप विद्वान हैं और आप सेल्फिश नहीं हैं, खुदगर्ज नहीं हैं, राजनेताओं के चरण सेवक नहीं हैं, तो मेरा दरवाजा तो खुला है, आप आ जाइए। क्योंकि पद तो देखो, पद तो आपको मिलेगा नहीं ना, पद तो आपको चंद्रगुप्त बनने पे मिलेगा, और चंद्रगुप्त आपको लोगों को जोड़ के सिद्ध करना है, तो हर कोई सर वेलकम ये है। महान भारत सागर साहब रिटायर्ड हुए तो आपसे एक आध बार आपसे मुलाकात करी कि नहीं करी, रिटायरमेंट नहीं, के मेरी बाद आएगी? बातचीत हुई उनसे, लेकिन उन्हें समझ में आया कि शायद मेरा कॉन्सेप्ट उनके ज्यादा काम का शायद है नहीं। देखिए, मेरा जो है, जो एनी क्या सर, क्या कर रहा है सर जो वो एनी क्या टॉम सर डिक एंड हैरी को जी? अपने आगोश में लेके और उसे जो है ना चंद्रगुप्त बनाने के लिए तैयार है, तो हर आईएएस एंड हर आईपीएस और एवरीबॉडी जो है वो वेलकम है। मैं तो इन सबको जो है ना अपनी फीड भेजता हूँ, मुझे आज तक फीड पे जो है ना फेवरेबल रिएक्शन नहीं दिए आज तक इन लोगों ने। ये तो अंदर ही अरे अंदर कुड़ते होंगे कि साहब जो मैथिली शरण गुप्त इतना बड़ा काम कैसे कर रहा है, क्योंकि काम तो बड़ा हो जाएगा। 2024 में इस देश की एक हिस्ट्री बदल जाएगी जब सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेता पराजित होंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। जी 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 जी
और ये भविष्यवाणी मेरी नहीं है, ये कॉस्मोस की भविष्यवाणी है, ओके, तो ऐसा होना ही है। बिल्कुल सही कह रहा है सर आपकी बात। और ये बताओ ना यार, ये जो 56 इंच की सीना वाले हैं, उन्होंने एक काम जो है ना हिंदुओं का मसीहा कहते, एक काम हिंदुओं के फेवर का किया है। अरे कुछ नहीं किया था अच्छा ये जी बताइए, मैं आपको जरा थोड़ा सा और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, जरा उसका जवाब दीजिए आप मुझे। जी एक बर्सिप प्लेसेस एक्ट 1991 जो है, नरसिम्हा राव की लूली लंगली कॉलिशन सरकार ने बनाया था, राइट? ओके और उससे घृणित कानून मैंने आज तक देखा नहीं, राइट? ओके उसमें दो तीन मार्गदर्शी सिद्धांत तय किए, उसमें एक तो ये कहा कि 15 अगस्त 1947 को जो देश जिस जो है जो जो स्थान जिस धर्म के लिए यूज हो रहा होगा उसी धर्म के लिए यूज होगा, राइट? फिर उसने दूसरी बात कही कि 1947 से 1951 के बीच में जितने भी केस सिर्फ राम जन्मभूमि को छोड़कर जितने भी केस किसी भी कोर्ट में चल रहे हैं वो इस जो है ना मार्गदर्शी सिद्धांत के तहत निपटा दिए जाएं। तो उसने डायरेक्शन दे दी कि निपटा दो सभी को, राइट? अब फिर उसने तीसरा जो है ना सेक्शन 4 बनाया कि कोर्ट आर डिबार्ड फ्रॉम टेकिंग कॉग्निजेंस, मतलब आज जो है भारतीयों को न्यायालय में न्याय की भीख मांगने का हक छुड़ा लिया गया है वर्सिप प्लेसेस एक्ट 1991 के तहत। अभी जो इतने सारे लोग क्रेडिट ले रहे हैं, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि जो नंदी बाबा हैं उनका मुंह जो है ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है और वो फब्बारा नहीं है, वो स्वयंभू शंकर है, इसमें मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन बिल्कुल मुझे सही जो कहा। है जो जिला मजिस्ट्रेट है उनकी विद्वत्ता पे बहुत संदेह है, क्योंकि ये एक्ट ये नहीं कह रहा है कि इसका मूल स्वरूप क्या है। ये मूल स्वरूप की हाइपोथेटिकल थ्योरी आपने कहाँ से निकाल दी? वो बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है कि भाई साहब मैंने एक कट ऑफ डेट दी है 15 अगस्त 1947। अब मैं मिस्टर राकेश शर्मा आपसे पूछता हूँ, 15 अगस्त 1947 को ज्ञानवापी मस्जिद मस्जिद थी या नहीं थी? हो सकती है सर नहीं, हो सकती नहीं, थी 100% थी। जी पंद्रह सर, अगस्त ये तो उन्नीस सौ मुझे नहीं। सैंतालीस को ज्ञानवापी मस्जिद थी, वो मस्जिद के स्वरूप में स्थापित थी। वो शंकर जी हो सकते हैं स्वामी, उस बारे में मैं नहीं कह रहा हूं। तो फिर जो है मजिस्ट्रेट को ये पावर कहां से मिला कि इसका ओरिजिनल स्वरूप खोजा जाए? किस सेक्शन में वो पढ़ रहे हैं जरा मजिस्ट्रेट साहब मुझे बताएं, हम भी पढ़ लेंगे उस सेक्शन को, मुझे भी थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो आती है। तो हम लोग जो है चूंकि हमारी भावनाओं के साथ वो मामला सेट हो रहा है तो हम सब लोग उत्तेजित हो रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राइट? लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यह तरीका गलत तरीका है। सही तरीका होता कि जैसे जो है नरसिम्हा सरकार ने एक घटिया कानून बनाया, अब ये 56 इंच के सीने वाले जिनको राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में मेजोरिटी है, हाँ की जीत हुई और ना की हार हो, इतना कह के सालों से रिपील कर देते। कठिन सही काम था बात है क्या सर, ये? नहीं, मैं पूछ रहा हूं कठिन काम था क्या? कुछ नहीं था। अब ये बताओ, ये भाजपा वाले साले रोज जो है पीआईएल सरकार में उसमें लगाते हैं न्यायालय में, हमने इन्हें कानून बनाने की शक्ति क्यों दी है? नालायकों को, इन सही कह रहे दुष्टों हैं को आप। हमने 303 सीटें क्यों दी हैं न्यायालय में पीआईएल लगाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आपकी बात, इन्हें लज्जा नहीं आती अपने आप को 56 इंच का सीना वाला कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही ये कह रहे हैं छप्पन आप। इंच के सीने वाले जो है ना कानून क्यों नहीं बनाते हैं, कानून क्यों नहीं रिपील करते हैं? लज्जा आना बिल्कुल चाहिए इन्हें अपने 56 इंच के सीने पे। सही कह रहे हैं सर आपकी बात। ये बताइए ना मुझे, ये 56 इंच के सीने वाला काम है क्या? पर सर ये है कि इनके पास जब मेजोरिटी है तो इनको करना चाहिए ना नहीं, संशोधन मैं तो। ये कह देखिए, मैं आप जब ओरिजिनल सब्जेक्ट पे आ जाता हूं, आर्टिकल 25 पे, तो आर्टिकल 25 आपको हक देता है कि आप जिस धर्म को माने जिससे आपको मोक्ष प्राप्त हो, जो उसमें आपको श्रद्धा हो वो धर्म मानो, उसका प्रचार करो। फिर ये बताओ, ये सब लाल टीका लगा के ये कहने वाला का ताकत किसने दे दी है, कहाँ से ताकत मिल रही है कि हिंदुस्तान में रहना हो तो श्री राम कहना होगा, ये देश की ठेकेदारी किसने दे दी है इन लाल टीका वालों को? बिल्कुल बिल्कुल ये नहीं, बात आप। ये अपनी शक्ति कहाँ से पा रहे हैं जरा मुझे ये बता दें। अच्छा नंबर 2, मैं उन मुस्लिमों से भी पूछता हूं कि तुमको ये शक्ति किसने दे दी कि तुम कहो कि मेरे धर्म को मानना होगा नहीं तो तुम काफिर होगे और मैं तुम्हारा सिर धड़ से जुदा कर दूंगा और मुझे जन्नत भी मिलेंगी, 72 हूरें मिलेंगी? मैं इन दुष्ट मुस्लिमों से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब ये शक्ति तुमको कहां से मिल रही है? 100% बहुत सही कहा आपने। तो ये दोनों ही चीजें क्या
आर्टिकल 25 का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है कि नहीं है। 100% सही कहा आपने। तो अब बताओ, मैं एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ 56 इंच के सीने वाले को, यदि वो सुन रहे, क्योंकि मैं तो अभी अपलोड करूंगा तो वो मोदी जी को भी जाता है, तो ये अपनी बातचीत मोदी जी को भी जाएगी, ठीक है ना। तो मैं छप्पन छप्पन इंच वाले मोदी जी से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मेरी सलाह है कि 4 सेक्शन का एक एक्ट बना दें। उसमें जो है पहली चीज होगी कि जो भी आर्टिकल 25 के भावना के विरुद्ध कोई भी बातचीत करेगा, एक्टिविटी करेगा, वो संज्ञेय अपराध होगी, ठीक सही है सही ना। कहा आपने। उसमें दूसरा रहेगा, यह अजमानती अपराध होगा। न्यायालय सिर्फ एक ही परिस्थिति में जमानत दे पाएगी, जब जो है ये पुष्टि हो जाए कि शिकायत गलत है, मतलब किसी ने परसेंट झूठी सही कहा। शिकायत कर दी है, तो आप जमानत दे पाएंगे। यदि सही शिकायत है तो वो व्यक्ति जेल में सड़ेगा, सही सही कहा मतलब आपने। उसको अजमानती है, और जमानत बहुत रेयर मिलेगी और केवल एक ही परिस्थिति में मिलेगी, जब वो झूठी शिकायत हो, झूठा सही एफआईआर कहा, कोई दर्ज कराया हो, राइट। सही फिर सही कहा तीसरा आपने। है कि उससे 10 या 15 साल का जो है सजा का प्रावधान होगा, और इसके लिए क्राइम फ्री भारत का जो 5 सर्टेंटी वाला इंजन है कि बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ जो है क्राइम फ्री भारत के टेक्नो इंजन के तहत पुलिस का सर्वसाधारण व्यक्ति जो है ना चालान पेश करेगा, और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट जाए आज की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव ट्रायल करके बिना कोर्ट जाए 3 से 30 दिन के अंदर जो है सजा हो जाएगी, यदि वो इंजन साथ में लगा दें। और उसका चौथा क्लॉज रहेगा कि सजा के साथ इनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। बहुत बढ़िया अब था। मुझे बताओ कि किस हिंदू में या किस मुस्लिम में या किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति में किसी दूसरे की जो है कॉन्सेंस के आधार पर धर्म मानने की आज़ादी को कौन जो ना ठोस पहुंचा चाहता है, किस ओबीसी में दम है कि वो जो है ना इसका उल्लंघन करेगा। मिस्टर राकेश शर्मा मुझे बताइए, किसी की औकात है कि वो करे, बिल्कुल बिल्कुल सही ये कह रहे बताओ। आप। ये ये 4 सेक्शन का छोटा सा एक्ट ये क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं ला देगा? ला सकता है सर, 100% नहीं, आप हंड्रेड मुझे परसेंट बताओ कि सब क्यों नहीं लाएगा, बताओ। मैं तो 5 मिनट की बता रहा हूँ ना, मैं तो पूरी नहीं, व्याख्या कर मैं रहा हूँ। आपकी बात से सहमत हूँ कि जब आप, चूंकि आपको पूरे एक्ट के बारे में जानकारी है सर, और आप पूरा डिसिप्लिन वो डिस्क्रिप्शन भी कर रहे हैं इसका कि ऐसे नहीं, ऐसे हो सकते, ऐसा हो सकता है, तो ये तो मैं मैं बात ये मान, कह आपकी रहा बात से हूं, सहमत। देश की फिजा बदल जाएगी, देश शांति से रहेगा। ये जो नालायक की बदमाशी करके लोगों को जड़ा के जो ना सत्ता में घुसने की तरीका है, दुष्ट लोग जो है जिन लोगों की ना सोच रखते हैं, ना क्षमता रखते हैं, ना अकल है, जिसमें चपरासी बनने की भी क्षमता नहीं है, वो हमारा भाग विधाता कानून का निर्माता क्यों बनना चाहिए? वो तीन तीन चार चार बार, और उसके बाद साला उसका बच्चा भी बनेगा, और ये दुष्ट जो है ना यदि भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाएंगे तो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, और एक दुष्ट जो है जो अपने आप को सुशासन मुख्यमंत्री कहता है वो 8वीं बार जो है ना मुख्यमंत्री की जो है शपथ लेता है, और उसे लज्जा नहीं आती है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए 9वीं फेल को जो है ना उप मुख्यमंत्री बना के इस देश पे इस उस प्रदेश पे थोप देता है। सही है सर। ये बताइए, मुझे लज्जा वाली बात है कि नहीं है? हाँ है, क्या पूरी निर्लज्जता का ठेका ठेका इन सब राजनेताओं ने ही लेके रखा है? सही है सही तो कहा, मेरा सही बात। मानना है कि अब इन राजनेताओं के पाप का घड़ा भर चुका है, 2024 में सभी राजनीतिक पार्टी के सभी राजनेता पराजित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल आपको सर, कुछ सही संशय हो कहा। तो बताइए मुझे, नहीं 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 मैंने सर, मुझे आपको कोई ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है भाई। नहीं, मैं आऊंगा सर और आपसे एक बाइट करके जरूर जाऊंगा सर मैं। नहीं बताओ, मैंने कुछ मिलावट वाली बात कही हो, ख्याली पुलाव बताए हो तो बताइए, मैं तो पूरी रणनीति बता रहा हूँ। नहीं, सर कोई ऐसी गलत बात नहीं है सर, आपने जो कहा वो सही है सर। तो फिर आप चंद्रगुप्त बनने के लिए तैयार हैं, बाकी लोगों को भाड़ में जाने दिया जाए? नहीं नहीं सर, मैं तो बाकी लोगों को भी कहूंगा कि सर आप सर के साथ जोड़ो, और तो जो चूंकि सर जो वापसी भी किया। जी मैं अभी आपको लिंक भेज रहा हूं, और ये हमारी जी वार्तालाप 15 मिनट के अंदर जो है ना यूट्यूब चैनल पर चढ़ जाएगी। अरे नहीं, सर आप इसको मत करिएगा, क्योंकि ये है ना मैं से नहीं सर, देखो, क्योंकि सर मैं तो हर बात को चढ़ाते ही चढ़ाता हूँ, ये तो मेरे संकल्प का हिस्सा है, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूँ वो अपने लिए कर ही नहीं रहा हूँ, ये तो नहीं, वो यूनिवर्स के आपका लिए एनर्जी है। नहीं, आपकी बात से मैं सहमत हूँ सर, पर क्या है कि मैं थोड़ा सा चाहूंगा कि आप इसको है ना कहते अपने तक ही रखें, मैं तो बात मानते ही बाकी नहीं हूं किसी की, यदि मैं बात मान जाता तो नेताओं की बात नहीं मान लेता, डीजी बन जाता। तो बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं बात सर। ना मानने का तो मैंने ठेका लेके रखा है।
ठीक है सर, ठीक चलिए अपने अंदर साहस रखिए और चंद्रगुप्त बनिए, क्या मालूम कल के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के आप ही हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत दो, धन्यवाद अरे 2 साल का समय है अभी आपके पास, नहीं जी। फिर वो तो बाद में बनाना पड़ेगा आपको, गिरा सरकार को गिरा के बनाना पड़ेगा बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल क्योंकि सही है। 2023 में तो जो है क्राइम फ्री भारत मिशन जो है राज्य स्तर पे पेश नहीं आएगा, वो सीधे जो है राष्ट्र स्तर पे सीधे लॉन्च होगा, क्योंकि उसे मालूम है कि राज्य स्तर पे उसकी रणनीति काम नहीं करेगी। बाद में वो सरकारों को गिराएगा, आर्टिकल 356 का बहुत लिबरली यूज होगा, इन लोगों ने गलती की और हमने उसको गिराया बहुत बढ़िया सर, ठीक है। चलिए है तो सर, मेरे तो ख्याल मैं ना से मैं आपके पास आता हूँ, फिर अपन चर्चा करते हैं सर, और जरूर जरूर जरूर, चलिए जय है ना हिंद जय सर, भारत वंदे मातरम।